हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं जो DIY लेके आई हूँ ये बहुत ही इजी है और थोड़े से एक्सपेंसिव दिखने वाले हैं, बट है नहीं एक्सपेंसिव बिल्कुल भी, क्योंकि हम इसमें यूज़ करेंगे कार्डबोर्ड और एक ये यूज़ करी है मैंने फिनाइल की बोतल। और इस फिनाइल की बोतल को मैंने कट कर लिया है, नीचे का पार्ट हम यूज़ करेंगे। और ये जो कार्डबोर्ड आप देख रहे हो इसके ऊपर जो ये लेयर है एक, ये वाला पेपर हमें हटा देना है। तो ये जो डिज़ाइन वाला है ये हमारे पास रहेगा और इसको हम बोतल की साइज़ के जितना कट कर लेंगे। और मैं यहाँ पे इसको कट कर रही हूँ दोनों साइड से, ऊपर से और नीचे से, क्योंकि अच्छी फिनिशिंग के लिए। और इसके बाद जब ये पेपर हमारा कट हो जाएगा बोतल की साइज़ का, तो फिर हम इसको चिपकाएंगे। आपको यहाँ पे ग्लू गन का ही यूज़ करना है, क्योंकि अगर आप फेविकोल से चिपकाओगे तो अच्छे से नहीं चिपक पाएगा। वैसे आप काम चला सकते हैं फेविकोल से, जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ। यहाँ पे आपको पेपर पे ही फेविकोल लगाना है और फिर दूसरा पेपर इसके ऊपर स्टिक कर देना है, तभी ये चिपकेगा। अगर आप बोतल पे फेविकोल लगाओगे तो फिर ये पेपर जो है वो नहीं चिपक पाएगा। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को जस्ट बताया है कि आप फेविकोल से कैसे काम चला सकते हैं। बाद में मैंने इसको ग्लू गन की हेल्प से भी फिक्स कर दिया था। फिर हमें करना है यहाँ पे ब्लैक कलर, और आप चाहो तो कोई भी कलर कर लो, मैं यहाँ पे ब्लैक कलर कर रही हूँ। और इसके बाद जब ब्लैक कलर हमारा हो जाएगा तो फिर हम थोड़ा सा और इसको हाईलाइट करेंगे, थोड़ी सी और डिटेलिंग हम इसमें ऐड करेंगे। मैंने इसको पूरा ब्लैक कलर कर लिया है और अब आप लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा कि मैं क्या बना रही हूँ। मैं यहाँ पे फ्लावर वास ही बना रही हूँ, वैसे आपने थंबनेल भी देख ही लिया होगा। और अब हमें थोड़ा सा इसको रस्टिक लुक देना है, तो उसके लिए मैंने लिया है कॉपर कलर, जो एक्रेलिक कलर आते हैं वही, उनमें मैंने एक कॉपर कलर लिया है, साथ में लिया है स्पॉन्ज, और थोड़ा थोड़ा सा कलर लेके हमें इसको हाईलाइट कर देना है। और ये बहुत ही अच्छा सा इसका जो रस्टिक लुक है वो आएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और ये हमारा फ्लावर वास बन के रेडी है। इस पर आप थोड़ा सा जूट रोप से और भी डेकोरेट कर सकते हो, बट मुझे ऐसे ही बहुत अच्छा लग रहा था ये, तो मैंने इसको ऐसे ही सिंपल रखा है। और आप देख सकते हो कि ये कितना सुंदर लग रहा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्लावर्स, तो मैंने यहाँ पे रेड कलर के और येलो कलर के दोनों ही कलर के फ्लावर्स ऐड किए, तो बहुत सुंदर लग रहा था, जैसे कि आप देख पाओगे अभी। तो आप लोग भी ऐसे ही कार्डबोर्ड से, जीरो कॉस्ट DIY है ये, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, बहुत ईजी है बनाना। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट DIY की तरफ। ये वाला DIY तो बहुत ही ईजी होने वाला है, और ये वाला DIY उसी कार्डबोर्ड से बनाया जो बच गया था उसमें से, तो मैंने सोचा चलो इसको भी यूज़ कर लेते हैं। तो इसको मैंने एक फ्रेम के साइज़ में कट कर लिया है उसी शेप में, और बीच का जो पार्ट है वो निकाल के रख दिया है। और सेम उसी मेथड से उसका जो ऊपर वाला पेपर था वो मैंने निकाल दिया है, और जो डिज़ाइन वाला कार्डबोर्ड है वो रख लिया है। साथ में मैंने एक और कार्डबोर्ड का पीस लिया है, उसके ऊपर इस फ्रेम को मैंने स्टिक कर दिया है, और पूरे फ्रेम को मैंने कर लिया है वाइट एक्रेलिक कलर से कलर। और उसके बाद मैंने कुछ एक ये पेंटिंग बनाई थी कल ऐसे ही, तो मैंने सोचा कि चलो इसको इस फ्रेम में लगाते हैं तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैंने ये पिंक वाली ली है, और ये मैं उस फ्रेम में बीच में लगा दूँगी, और फिर हम इस फ्रेम को कर देंगे पिंक कलर से कलर। यहाँ पे ये हमारा क्यूट सा फोटो फ्रेम बनके रेडी हो जाता है, और ये भी जीरो कॉस्ट DIY है। इसमें आपका कुछ भी नहीं लगना है, बस आपको एक कार्डबोर्ड चाहिए होता है, उसी से आप इसको बना सकते हो। और बहुत ही क्यूट लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था ये। तो यहाँ पे ये मेरे आज के DIYs थे। आप लोगों को कैसे लगे हैं कॉमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।